नमस्कार, मैं डॉक्टर आर एस पटेल, आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM। फिर से एक बार जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। प्यारे साथियों, देशवासियों, मैं आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर आर एस पटेल और आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM। आज तमाम बातचीत करने से पहले अपने महापुरुषों को नमन करता हूं और सीधे आज आपको लेके चलते हैं बड़े घटना के तरफ। हां, तो रोज मैं कहता हूं आप सबके बीच में कि यूपी में कानून राज या जंगल राज, अगर आप यूपी में जंगल राज बोल दिए तो आपके ऊपर FIR होगा। आपने उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में वंचितों के अधिकारों की बात आपने बोल दिया तो आपके ऊपर FIR होगा। आपने अगर वंचितों को सुरक्षा देने की बात कर लिया तो आपके ऊपर FIR होगा। सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग आपका घर जला दें, आप पर गोलियां चला दें, आपकी हत्या कर दें, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको संरक्षण देगी, उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके लिए ढाल बनकर खड़ी रहेगी। क्या यही राम राज्य है? तो आज सबसे पहले इसी विषय पर आज सवाल है योगी सरकार से। सवाल आप सबके बीच में है और सवाल सुलगता हुआ सवाल है कि क्या यही राम राज्य है? क्या वंचितों, पिछड़ों, दलितों को पाखंड से बाहर निकालकर उनको जागृत करना, उनको हक अधिकारों के प्रति प्रेरित करना और उन पर यदि कोई सामंतवादी प्रहार हो उसके खिलाफ आवाज उठाना, उसके अधिकार के लिए आवाज उठाना राम राज्य में गुनाह है, सॉरी उत्तर प्रदेश में गुनाह है? हां, यही राम राज्य है। तो सुनिए आज उत्तर प्रदेश की नई काली कारतूत और एक नया दास्तान। आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM, जो सरकार से करता है तीखा सवाल और अपने लोगों को जगाने का प्रयास करता है। ले चलते उत्तर प्रदेश के सनसनीखेज की तरफ। योगीराज में जंगल राज कायम, योगीराज जंगल राज या आतंक राज, योगीराज जंगल राज या सामंतवाद, योगीराज जंगल राज, कानून राज या मनुवाद, यह सवाल है आज। रोज रोज पिछड़ों का चुन चुन कर हत्या किया जा रहा, रोज रोज पिछड़ों पर चुन चुन के अत्याचार कहर ढहाया जा रहा है। मैं अपने दर्शकों को, बुलेटिन 8 PM के प्यारे साथियों को रोज रोज इस विषय को लेकर अपडेट करने की कोशिश करता हूं। कभी प्रतापगढ़ के पट्टीकांड यानी गोविंदपुर में पिछड़ों के घर जला दिए जाते हैं, घरों में लूट कर लिए जाते हैं, महिलाओं से अभद्रता हो जाता है, भैंस जला दिए जाते हैं, उसके बाद उल्टे ही पिछड़ों के ऊपर पुलिस खड़ा होकर यह सब करती और करवाती है। अगर आपने बोल दिया तो आपके ऊपर उल्टे FIR भी, वही पुलिस आपको। हां, तो आज ऐसा ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ता कारवा। चंदौली हत्याकांड, संबल हत्याकांड, प्रतापगढ़ में मुरैना गांव में फिर पिछड़े पटेल की हत्याकांड, चंदौली में यादव का हत्याकांड, संभल में दलित का हत्याकांड, इन सब में ब्राह्मणवाद हावी है, इन सब में मनुवाद चरम पर है। तो मैं आपको एक बार फिर से सिलसिलेवार बता देता हूं। संभल में ब्राह्मण लोगों ने, ब्राह्मण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने असलहा लहराकर दो दलित परिवार को गोलियां चलाकर हत्या कर दिया। चंदौली में ठाकुर ने दो यादवों की हत्या कर दिया।
और आगे बढ़िए, संभवतः उसके बाद प्रतापगढ़ के कुंडा में, मुरैना गांव में, फिर ठाकुरों ने ठाकुर राज में सीएम के स्वजाती लोगों ने पटेल 7 लोगों पर प्रहार किया, 1 की मौत हो गई। उसके बाद फिर हत्याकांड और आगे बढ़ता है, रोज रोज हत्या, लूटपाट, बलात्कार। अब हुआ सुल्तानपुर में, सुल्तानपुर के लंबुआ अंतर्गत कैथापुर गांव निवासी संजय वर्मा 24 वर्ष को शिवम सिंह नामक एक व्यक्ति ने दिन दहाड़े गोलियां मार दिया, गोली चलाया, गोलियों से भून दिया। क्या यह जंगल राज नहीं? क्या यह आतंक राज नहीं? यदि हम आतंक राज कह दे तो आपके ऊपर FIR हो जाएगा। आगे बढ़िए, और घटना हुआ दिन दहाड़े गोलियों से भून देने के बाद, उसी सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद के दोस्तपुर थाना अंतर्गत मधईपुर गांव में देवमणि वर्मा अपने भैंस की धुलाई कर रहे थे, भैंस को धो रहे थे, अपने पशु को गर्मी में धुलाई कर रहे थे, धो रहे थे। इतने पर सामने ब्राह्मण परिवार, शायद भैंस धोने को लेकर कहा सुनी हुई, और कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर जो नाम है देवमणि वर्मा, उनको, उनके बेटे को, भतीजे को, बेटी को, पत्नी को बुरी तरह घायल कर दिया। यह खबर शैलेंद्र वर्मा, पूर्व सरदार सेना यूथ के अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा द्वारा हमारे पास बताई गई। सोचिए, जरा जानिए, समझिए कि क्या यह ब्राह्मणवाद नहीं? आप में कहा सुनी होती है और आपको पीट कर इतना लहूलुहान कर दिया जाए कि आप मौत के नजदीक पहुंच जाए या मौत हो जाए। आज वर्मा जी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। सुल्तानपुर के शैलेंद्र वर्मा के अनुसार, जब मेडिकल कराया गया, मेडिकल के लिए इस वर्मा परिवार को भेजा गया, तो मेडिकल के दौरान डॉक्टरों के मिलीभगत और पुलिस के मिलीभगत से उसको एक्सीडेंट घोषित कर दिया जाता है कि यह एक्सीडेंट हुआ। परिवार के लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए गए, गंभीर चोट आई है, लेकिन पुलिस इसको गोल मिल टाल करके इस मामले को रफा दफा में लगी हुई है। क्या यह ब्राह्मणवाद नहीं? क्या यह सवर्णवाद नहीं? क्या यह आतंक राज नहीं? क्या यह जंगल राज नहीं है? क्या आखिर यह क्या है? आज सवाल है कि उत्तर प्रदेश में अगर आपने जंगल राज के खिलाफ आवाज बुलंद कर दिया तो आपके ऊपर इसी उत्तर प्रदेश के जंगल राज की पुलिस द्वारा और सरकार के सह या सरकार के मंत्रियों के सह के आधार पर आपके ऊपर FIR करा दिया जाता है। हां, तो आज ऐसा ही हुआ है। प्रतापगढ़ पट्टी के गोविंदपुर मामले में जिस कदर वो घटना हुआ, तकरीबन 18 परिवारों के घर उजड़े हैं, दर्जन पर परिवारों के घर जलाए गए हैं। इस मामले को लेकर सबसे पहले डॉक्टर RS पटेल, यानी मैं खुद और सरदार सेना के दर्जनों पदाधिकारियों साथ हम गोविंदपुर गए। पूर्णतया सोशल डिस्टेंसिंग का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने पीड़ितों के न्याय की आवाज बुलंद किए, और साथ ही पट्टी के कोतवाली में नरेंद्र सिंह पटेल थाना अध्यक्ष है, उनके यहां गए और हमने कहा कि महोदय, एक पक्षी कार्रवाई क्यों? ये सवाल पूछ लिया गया तो मनुवाद से ग्रसित नरेंद्र सिंह भी थाना अध्यक्ष महोदय या
मोती सिंह और सरकार के दबाव में उन्होंने डॉक्टर आर एस पटेल के ऊपर यानी आज मेरे ऊपर भी प्रतापगढ़ पट्टी में आवाज बुलंद करने के नाते हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया, बताया गया कि हम धारा 144 का उल्लंघन किए हैं। हम पट्टी के गोविंदपुर पहुंचकर हमने वहां पर दंगा भड़काने की कोशिश किया है, बताया गया, लेकिन यह नहीं बताया थाना अध्यक्ष महोदय ने, कोतवाल महोदय ने, कि हम उनके कोतवाली में गए थे। हमने उनसे डायरेक्ट सवाल किया था कि महोदय ये एक पक्षी कार्रवाई क्यों, यह सवाल हमने किया था और हमारे ऊपर एफआईआर हुआ। उस एफआईआर में यह नहीं बताया गया है, यह नहीं बताया गया है कि वंचितों के लिए आवाज बुलंद करने वाले लोगों पर एफआईआर होगा, यह नहीं बताया गया है। और सिर्फ अकेले मेरे ऊपर नहीं हुआ है, प्रतापगढ़ पट्टी के पूर्व विधायक राम सिंह पटेल के ऊपर भी उसी पट्टी कोतवाली में हम पर यानी डॉक्टर आर एस पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार सेना और पूर्व विधायक पट्टी प्रतापगढ़ राम सिंह पटेल के ऊपर एफआईआर किया गया। हम लोगों ने अपने समाज की सुरक्षा के लिए एक ऑडियो जारी भी किया था जिसको लेकर उन्होंने कहा कि हम दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सभाजीत यादव, सभापति यादव, सभाजीत यादव पूर्व ब्लॉक प्रमुख पट्टी के, जरा कल्पना करिए, यादव जी पूर्व ब्लॉक वर्तमान ब्लॉक प्रमुख पति और जिला पंचायत सदस्य सभाजीत यादव ने यह बात वंचित पटेलों के पक्ष में, वंचित और दलितों के पक्ष में यह बात उठाई तो उनके ऊपर भी पट्टी और प्रतापगढ़ के प्रशासन द्वारा एफआईआर कर दिया गया। कहने का आशय क्या है, कहने का आशय क्या है कि जो जो प्रतापगढ़ मामले को लेकर जिन जिन लोगों ने आवाज उठाई है उनके ऊपर एफआईआर किया जाएगा। यह जातिवाद नहीं है, यह राम राज्य है, यह जातिवाद नहीं है, यह ब्राह्मणवाद नहीं है, यह राम राज्य है। तो मैं सवाल करता हूं योगी सरकार में, यह सवाल करता हूं कि डॉक्टर आर एस पटेल ब्लॉक प्रमुख पति जिला पंचायत सदस्य सभाजीत यादव और पूर्व विधायक राम सिंह पटेल द्वारा और तमाम वंचित शोषित पिछड़े समाज के आने वाले लोग, जो लोग समाज की आवाज उठाएंगे, ये हमारे आवाज को दबाने की कोशिश मनुवादी सरकार द्वारा की जा रही है। हम एफआईआर से डरने उड़ने वाले नहीं है, हमें जेल में डाल दीजिएगा यही होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। लेकिन दलित पिछड़ों के खिलाफ होगा कुछ भी तो आवाज उठाऊंगा, समाज के पक्ष में आवाज उठाऊंगा। केवल प्रतापगढ़ ही नहीं, पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों, मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार होगा, मुसलमानों के साथ अत्याचार होगा, पिछड़ों और दलितों के साथ अत्याचार होगा, मूल निवासियों के साथ अत्याचार होगा, तो आर एस पटेल आवाज उठाएगा। मुझे सूली पे चढ़ा दोगे उसके बाद भी आवाज बुलंद करूंगा, हक अधिकार की आवाज उठाऊंगा। आप सबसे गुजारिश है प्रिय साथियों, आप सबसे गुजारिश है
डॉक्टर आर एस पटेल बुलेटिन 8 PM यानी बुलेटिन 8 PM यदि आपकी आवाज है तो बुलेटिन 8 PM की आवाज को मानववादी सरकार द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है, FIR करके जेल के सिक्कों में डालने की कोशिश की जा रही है। तो मैं सिरमौर से यह बात कहता हूं कि हमें जेल में बंद करो, अकेले डॉक्टर आर एस पटेल नहीं, पूर्व विधायक राम सिंह पटेल अकेले जेल में नहीं, ब्लॉक प्रमुख पति सभाजीत यादव अकेले जेल में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश से सैकड़ों लोग हजारों लोग जेल चलने को तैयार हैं। देखता हूं कितनी बड़ी जेल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बनी है। हम दावे के साथ कहते हैं कि आप आज की लाइव को, आज के बुलेटिन 8 PM को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि आपकी आवाज, बुलेटिन 8 PM की आवाज हर सामंतवादी, हर जातिवादी और जंगल राज के कानों में जाके गूंजे, जंगल राज के कानों में यह बात जाके गूंजे, मनुवाद के कानों में यह बात जाके गूंजे। आप लाइव को खूब शेयर करिए, आप हमारी आवाज हैं, आप बुलेटिन 8 PM की आवाज हैं। इसलिए हमारा आप सबसे दरख्वास्त है कि इस बुलेटिन 8 PM को शेयर करिए, बुलेटिन 8 PM का आवाज बनिए। यह आपकी आवाज ही है जो मनुवादियों के अंदर खलबली मचा दिया है और हमारे जैसे आपके समर्थन में बोलने वाले जो भी आवाज हैं उनको जेल के सिक्कों में बंद करना चाहते हैं ये, और इस आवाज को दबाना चाहते हैं ये। आपको तय करना है कि आवाज दबना चाहिए या आवाज और तेजी से निकलना चाहिए, इसलिए तय करना आपको है, विचार करना आपको है और आपको यह तय करना है कि लड़ाई अगर आप नाम पिछड़ा जो हमें आपको दबाने की कोशिश की जा रही है यह और तेज होनी चाहिए या कमजोर। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं योगी सरकार से कि आप समता ला दीजिए, समान विचार भाव से सबको देखिए, सबके लिए कानून राज बराबर करिए। हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, लेकिन जब तक ऊंच नीच की खाई रखेंगे, जब तक ये दूरियां रखेंगे, जब तक इस देश में जंगल राज जैसी स्थिति पैदा रहेगी, तब तक हम लोग अपनी आवाज बुलंद करेंगे और करते रहेंगे। अगली कदम और बड़ी होने वाली है, इसलिए हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि इसको और आवाज दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार में आज एक और घटना हुआ, यूपी के नोएडा में नवजात को गोद में लेकर 7 घंटे तक भटकते रहे परिजन और इलाज नहीं हो पाया, दम तोड़ दिया बच्चे ने।
आर एस पटेल के ऊपर नहीं, चाहे जितना एफआईआर करो हम एफआईआर सहने के लिए तैयार हैं। अब यह तय करना देश की जनता को है, यह तय करना देश के पिछड़ों को है, यह तय करना देश के दलितों को है कि आवाज कितना मजबूत रखना है। अगला सवाल है, अगला सवाल बुलेटिन 1 PM पर अगला तीखा सवाल। बीजेपी सरकार में हुआ कोरोना घोटाला, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में घोटाला ही घोटाला, सुनिए घोटालों का राज। सुनिए घोटालों का राज। बहुत तेजी से चल रहा है, आप सबको मालूम होगा। वह गुजरात मॉडल आज घोटालों का मॉडल बन गया। वेंटिलेटर घोटाला, रूपाणी गुजरात के रूपाणी सीएम अपने ही मित्र को वेंटिलेटर बनाने के लिए उन्होंने ऑर्डर किया, वह वेंटिलेटर सैकड़ों गुजरातियों की जान ले लिया, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, तब जाकर के उसका पोल खुला। यह गुजरात सरकार का अरबों रुपए का घोटाला है, इसका नाम वेंटिलेटर कोरोना घोटाला है, कोरोना में वेंटिलेटर घोटाला है। और सबसे एक नंबर पर यदि महाराष्ट्र में कोरोना है तो दूसरे नंबर पर कोरोना, दूसरे नंबर पर कोरोना उसी गुजरात में है जो मोदी मॉडल है, वही गुजरात मॉडल है। उसी कदम पर, उसी नक्शे कदम पर, मोदी के नक्शे कदम पर इन घोटालेबाजों को, इन जातीय आतंकवादियों को, जातीय मानसिकता का दम भरने वालों को, हमें आपकी जिम्मेदारी है कि अब हम इनको उसी हत्र में ले जाएं, 14 साल नहीं अब 40 साल के लिए बीजेपी को वनवास में भेजना होगा। यदि आप सहमत हैं तो इस लाइव को, बुलेटिन 1 PM को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि यह मनुवादियों के नाक में
कान में आंख में चुभने लगे। अगला सवाल है, समझिए, हिमाचल प्रदेश के कोरोना काल में देश में पीपीई किट का पहला बड़ा घोटाला मामला बीजेपी ने खुद किया है, यानी हिमाचल प्रदेश ने खुद किया है, भारतीय जनता पार्टी ने खुद किया है, यह है बीजेपी का घोटाला है। कोरोना काल में बीजेपी ने घोटाला किया है, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने शायद इस्तीफा दे दिया है। हिमाचल प्रदेश के पीपीई घोटाले में बीजेपी बुरी तरह फंसती आ रही है, लेकिन यह मनवादी मीडिया में नहीं दिखाया जाएगा, आपको गोदी मीडिया में यह समाचार नहीं मिलेगा, गोदी मीडिया आपको यह बात नहीं बताएगी। यह मोदी राज का घोटाला है, यह भारतीय जनता पार्टी का महाघोटाला है, यह कोरोना काल में अरबों रुपए के घोटाला का पुलिंदा है। इसलिए जागो पिछड़ो जागो, दलितों जागो जागो, और घोटाले बाजों का पोल खोलो और इनको इनकी सत्ता को दफनाने का काम करो। ये काम हमें आपको करना होगा। ऐ मेरे देश के प्यारे साथियों, हिमाचल प्रदेश के पीपी किट घोटाले से जुड़े हुए ऑडियो अधिकारियों से बातचीत करते हुए ऑडियो सामने आया, मच गया हाहाकार। बीजेपी सरकार में करोड़ों रुपए की लेन देन भारतीय जनता पार्टी और अधिकारियों के बीच का मामला जब सामने आया तो हाहाकार मच गया है। इसलिए हमें तैयार होना पड़ेगा, इनका पोल खोलना पड़ेगा। कार्रवाई भी होने लगी हिमाचल प्रदेश में। इसी क्लिप के अनुसार पुलिस ने स्वास्थ्य निदेशक अजय गुप्ता को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस घोटाले में बीजेपी के कई नेता फंसते नजर आ रहे हैं। यही है अच्छे दिन, आप सबको अच्छे दिन चाहिए था, यही भारतीय जनता पार्टी का अच्छे दिन है। भारत के गरीबों को मार करके यही अच्छे दिन है। रोज दर्जनों सैकड़ों मजदूर मर रहे हैं, यही अच्छे दिन है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सरकार का क्लास ले रही है, यही अच्छे दिन है। तो ऐसे अच्छे दिन को मैं थूकता हूं, ऐसे सरकारों को मैं थूकता हूं। इसलिए सवाल करना होगा, हमें आपको बुलंद इरादों से अपने लोगों के साथ खड़ा रहना होगा। पत्रकारों ने अर्णव गोस्वामी से पूछा, हिमाचल प्रदेश में पीपी किट घोटाले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा, स्वास्थ्य निदेशक के पहले ही गिरफ्तार, उम्मीद है कि पूछता है भारत में, चिल्लाओगे अर्णव गोस्वामी तुम। लेकिन अर्णव गोस्वामी गोदी मीडिया का दलाल यह खबर नहीं दिखाएगा। देश को संभालने वाले पत्रकारों ने अर्णव गोस्वामी से सवाल किया है, देश के जिंदा दिली पत्रकारों ने तिहाड़ी सुधीर चौधरी से सवाल किया है कि यह सवाल अब नहीं करोगे सरकार से, क्या गुलामी करोगे सरकार की, अब तलवा चाटोगे या देश हित में बात करोगे। तुम्हारा राष्ट्रवाद बीजेपी के पैर के तलवों तक है तो यह राष्ट्रवाद नहीं, यह तुम्हारी तलवा चाटुकारिता है, यह समझ लेना गोदी मीडिया के लोगों। तिहाड़ी और अर्णव गोस्वामी जैसे
वो भी आपने छीन लिया। लोग सड़कों पर हजार दो दो हजार किलोमीटर पैदल चलने को विवश हो गए। मोदी जी, आपने अच्छे दिन का सपना दिखाकर देश के साथ धोखा किया है, देश को गर्त में मिलाया है आपने। आपकी असफल नीतियां देश को बर्बाद करने की तरफ ले गया है। सवाल है आज बुलेटिन 8 PM पर तीखा सवाल है, जवाब देना पड़ेगा, लेकिन क्या करिएगा? इनसे जवाब पूछने के खिलाफ आवाज बंद करने के लिए ये FIR कर रहे हैं। हमारे जैसे बुलेटिन 8 PM तमाम पत्रकारों और तमाम समाजसेवियों पर ये FIR हो रहा है। अब आप लोगों को क्या करना चाहिए? ये आवाज और तेज होना चाहिए ताकि आवाज और तेज निकले। इसलिए मजबूती से साथ देश से काला धन लाएंगे। मैं सवाल करता हूं मोदी जी से। मोदी जी, आपने तो वादा किया था विदेश से काला धन लाएंगे, लेकिन काला धन लाने के बजाय विदेश में 1.5 गुना काला धन पहुंच गया, मतलब लगभग 50% से ज्यादा काला धन 6 साल के कार्यकाल में और स्विस बैंक में बढ़ गया। मोदी सरकार से सवाल करना, योगी सरकार से सवाल करना क्या गुनाह है? क्या अनायास का अत्याचार है? यदि अत्याचार है और गुनाह है तो ये सवाल मैं 1000 बार करूंगा, देश हित में सवाल 1,00,000 बार करूंगा, और जितना भी आपको जेल भेजने की तैयारी करना हो कर लेना, सवाल तो करूंगा ही करूंगा। में कार्रवाई किया है, उस देश में गिरावट आई है, काला धन जमा करने वालों में गिरावट आई है, लेकिन भारतीयों में 50% ग्रोथ हुआ है। ये कौन लोग हैं जो पैसा स्विस बैंक में जमा किए हैं? ये देश के अमीर लोग, वही लोग हैं जो इन पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए चंदा देते हैं, जो इन लोगों को जो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला करके देश में सत्ता कब्जा करते हैं, इनको
इनको चंदा देते हैं, इनको हेलीकॉप्टर मुहैया कराते हैं, उनको उनके पैसों की सुरक्षा करने के लिए मोदी सरकार ने शायद प्लान बना दिया हो। स्विस बैंक से पैसा लाने के बजाय 50% बढ़ाने का काम मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ है। क्या यह पोल खोलना गुनाह है? तो यह गुनाह मैं 1000 बार करूंगा। आवाज बोलेंगे, जातिवाद के खिलाफ बोलेंगे, काले धन के खिलाफ बोलेंगे, जातिवादी आतंक के खिलाफ बोलेंगे, पिछड़ों को सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए अधिकार उठाने पर बोलेंगे, अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे। यदि पिछड़ों की हिमायती बनना, दलितों की आवाज बुलंद करना, अल्पसंख्यकों के लिए आवाज बनना, यदि आपको अपराधी लगता है तो यह अपराध हम 1000 बार करेंगे। दलितों पिछड़ों के लिए आवाज उठाने का काम 1000 बार करेंगे, और आपको लगता है तो अपराध ही मान लेना। हम दलितों पिछड़ों के लिए चिल्लाएंगे, संविधान की रक्षा करने के लिए बात उठाएंगे। आपको जो मानना है मान लेना। अंत में फिर आप सबसे अनुरोध करूंगा, बुलेटिन 1 PM का आवाज आपको बनना है, बुलेटिन 1 PM की ताकत आपको बनना है। खूब शेयर करिए, खूब लाइक करिए, खूब कमेंट करिए बुलेटिन 1 PM को, और हमारे इस पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल है वंचित विजन, वंचित विजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबाएं। जो बनेगी आपकी आवाज, जो बनेगी वंचितों की आवाज, दलितों पिछड़ों और अल्पसंख्यकों मुसलमानों की आवाज, देश के 90% आबादी की आवाज। इसलिए आप रहे तैयार, लड़ाई अब लंबी होगी। हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। जो लड़ाई 70 साल पहले थी उससे भी ज्यादा गंभीर और खतरनाक लड़ाई आज हो गई है। कम से कम अंग्रेजों के जमाने में पाखंड के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर छूट थी, लेकिन आज आप पाखंड के खिलाफ एक शब्द बोल दिए तो आप दोषी हो जाएंगे, आप राजद्रोही हो जाएंगे। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि बनिए बुलेटिन 8 PM का आवाज। अब कोरोना अपडेट, आज तक का कोरोना अपडेट 1,58,333, 24 घंटे में 4531, और अब तक कोरोना से मरने का अपडेट, कोरोना के काल के गाल में समाने वाले लोगों का अपडेट 1,58,333 अब तक देश में कोरोना पॉजिटिव हुआ है, और 24 घंटे में 6,566 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक मौतों की संख्या
कोरोना के द्वारा काल के गाल में समाने वाले लोगों की संख्या 4531 है और 24 घंटे में अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लगभग 200 यानी 194 मीडिया के अपडेट के अनुसार 194 लोगों की मौत कोरोना के कारण अब तक हो गई है 24 घंटे में, यानी लगभग 200 लोगों की मौत 24 घंटे के अंदर कोरोना काल में हो गया। आप सब ने हमें सुना, हम आपके आभारी हैं। बस इतना कि आप बने रहे बुलेटिन 8 PM पर, फिर कल मिलेंगे और बनेंगे आपकी आवाज। धन्यवाद, नमस्कार।